मेरे किसी भी वजीर के ऊपर करप्शन आ जाए, मुझे ये पता चल जाए उसने करप्शन किया है, आप ये समझ लें कि मैं उसके ऊपर एक्शन लूंगा। मेरा नजरिया ये है कि कभी भी दुनिया में कोई मुल्क तरक्की कर ही नहीं सकता जिसके वजीर आजम और वजीर करप्शन करें। थानेदार और पटवारी की करप्शन लोगों को तंग करती है लेकिन मुल्क को तबाह नहीं करती। मुल्क को तबाह करती है जब प्राइम मिनिस्टर और उसके वजीर करप्शन शुरू करते हैं। और ये सारी तीसरी दुनिया में चले जाएं डेवलपिंग वर्ल्ड में, उनकी सबकी कहानी ये होगी कि उनके भी वहां प्राइम मिनिस्टर के बाहर उसने मनी लॉन्ड्रिंग की होगी, उनके वजीरों की बाहर प्रॉपर्टीज होंगी। ये सारी तीसरी दुनिया में मलेशिया जैसा मुल्क महातर मोहम्मद ने उठा के कहां से कहां ले गया। उधर भी एक नवाज शरीफ आ गया, उनका कोई प्राइम मिनिस्टर नजीब के नाम पे, उसने जाके वही मनी लॉन्ड्रिंग शुरू कर दी, बड़ी प्रॉपर्टीज बाहर लेनी शुरू, वही मलेशिया जो महातर ऊपर ले गया वो मकरूज हो गया। तो मुल्क तबाह तब होता है जब उसकी लीडरशिप करप्ट होती है। मैं चीफ जस्टिस साहब से अप्रोच करूंगा, हमारे किसी भी वजीर के ऊपर करप्शन का चार्ज लगता है तो उसको उनके ऊपर केस करना चाहिए, डे टू डे हियरिंग करके इसको फारग करें। क्योंकि देखें, अगर गवर्नमेंट के ऊपर कोई इल्जाम लगा देता है वो गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी हिट होती है। जब एक प्राइम मिनिस्टर या उसके वजीरों के ऊपर करप्शन का कोई इल्जाम लगाता है, मैं ये समझता हूँ कि एक स्पेशल अदालत, एक कोई स्पेशल कोर्ट बनाए जो डे टू डे हियरिंग में करे। अगर तो वजीर गिल्टी है तो उसको निकलना चाहिए, और अगर वो नहीं है तो किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। कई दफा इल्जाम लग जाते हैं, मैं फिर वो प्रोब करता हूँ, मैं आईबी को कहता हूँ मुझे बताओ रिजल्ट दो, वो निकलता कुछ और है। तो मैंने एक स्टेटमेंट दी, उन्होंने उसको गलत लिया कि जी मेरी तैयारी नहीं थी। मैं ये कह रहा था जो बाइडेन इलेक्शन जीत गया, 2.5 महीने गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट्स उसको ब्रीफिंग्स दे रहे हैं कि इस मिनिस्ट्री का ये हाल है, इसका ये है, इसका ये है, ताकि जब वो ऑफिस संभालेगा 2.5 महीने के बाद तो उसकी जो सारी टीम है वो तैयार होगी। मैं ये कह रहा था जब हमें गवर्नमेंट मिली तो तब हमें पहली दफा पता चलना शुरू हुआ कि असल में पीआईए का कर्जा 450 अरब पे पहुंच गया। असल में स्टील मिल इसलिए बंद है, स्टील मिल के वर्कर्स ने केसेस किए हुए हैं क्योंकि स्टील मिल के ऊपर कुछ 350 अरब रुपए का कर्जा चढ़ा हुआ है। मैं ये कह रहा हूँ कि इस सिस्टम की इस्लाहत के लिए बड़ा जरूरी है कि जब एक गवर्नमेंट एक इलेक्शन जीत जाए, एक पीरियड हो कि सारी डिपार्टमेंट्स उसको प्रेजेंटेशन दें कि हर आर इदारे का क्या सिचुएशन है। अगर अमेरिका एक मुल्क करता है जो हाँ वहाँ 2.5 महीने, हम 2.5 महीना दें, 6 हफ्ते दें, लेकिन 6 हफ्ते में सारे इदारे प्रेजेंटेशन दें गवर्नमेंट को कि उनके हालात। कोई बेवकूफी होगा जिसको ये नहीं पता था कि मुल्क के क्या मसाइल हैं। जब 4 गुना ज्यादा कर्जा चढ़ा 2008 से और 2018 तक, जब एक घर के ऊपर कर्जा चढ़ता है, कर्जा इसलिए चढ़ता है कि उसके पास आमदनी कम होती है और खर्चे ज्यादा होते हैं। अब आपके पास किराएदार आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं, तो वो जब सिचुएशन होता है घर का वो क्या करता है, वो खर्चे कम करता है। जब खर्चे कम करता है घर को तकलीफ होती है। दूसरी चीज, वो टाइम जब तक आपकी आमदनी बढ़ती नहीं है, बजाय आप 8 घंटे काम करने के डबल शिफ्ट कर देते हैं, कोई भी दुनिया के मुल्क के ऊपर जब कर्जा चढ़ जाता है उसको इधर से गुजरना पड़ता है। मुझे तो पता था ये इन्होंने जो दोनों ने किया है, यानी 60 साल की तारीख में पाकिस्तान का टोटल कर्जा 6000 अरब था और इन 10 सालों में इन्होंने पहुंचा दिया 30000 अरब पे, सारे इदारे बैंकक्रप्ट कर दिए। जो हमने ये किया 2.25 सालों के अंदर, मैं चैलेंज करता हूँ कि कोई समझ ही नहीं रहा था हम करेंगे। आज मैं फखर से ये कहता हूँ हमने अपने 2 सालों में $20 अरब वापस किया है। बिजली में हमें उन्होंने कहा कि जनाब इतना खसारा ये छोड़ के गए, जो इन्होंने रिकॉर्ड ही नहीं किया होता वो अलहदा 400 अरब रुपए का खसारा बाद में पता चला। हमारा जो करंट अकाउंट था ना, जो कि बरूनी बैलेंस है, 17 साल के बाद ये 5 महीने से पॉजिटिव है। एक्सपोर्ट्स भी हमारी बढ़ी, रिमिटेंसेस हमारी रिकॉर्ड, बैंकिंग चैनल से लोगों को लाने के लिए स्टेट बैंक ने इंसेंटिव दिए, और माशाल्लाह ये हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। क्योंकि इससे क्या हुआ है, रुपया हमारा स्टेबल हो गया, डॉलर नहीं फेंक रहे मार्केट में रुपए को रोकने के लिए गिरने से। जो फिस्कल डेफिसिट है, जो अंदरूनी, वो अगर हमें कर्जों की किस्तें ना देनी पड़े, हमारी आज आमदनी ज्यादा है, खर्चे हमने कम कर दिए, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि 2 साल के बाद एक गवर्नमेंट जो रिकॉर्ड खसारे लेके आई थी उसने स्टेबल कर दी। 90 की दिहाई में ये वो माफिया है जिसके अंदर सबसे पहले शरीफ खानदान आया। मुझे जितने 2.25 साल हुए ना, अब तक नवाज शरीफ ने 2 शुगर मिल्स बना चुका था जब प्राइम मिनिस्टर बना, और उसके अलावा हुदायबा पेपर मिल भी बन गई थी और भी मिल्स बन चुकी थी, यानी आते साथ ही उन्होंने ये बनाई। जब एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर शुगर मिल्स बना लेता है और दूसरी तरफ आसिफ जरदारी की उसकी भी सिंध के अंदर शुगर मिल्स आ जाती है, उसके बाद और वजीर भी और तकड़े पॉलिटिशियन भी शुगर मिल्स बना देते हैं। वो ये रहा था कि एक्सपोर्ट करने के लिए रिबेट मिलती थी शुगर एक्सपोर्ट करने के लिए, और पता ये चलता था कि जितनी भी शुगर एक्सपोर्ट होती थी पेपर्स में दिखाई जाती थी, वो ज्यादातर शुगर यहीं बिक जाती।
बड़े बड़े डाकू जिन्होंने मुल्क में 35-35 साल बैठ के, आज इसहाक डार उसके बेटे बाहर बैठे हैं, नवाज शरीफ उसके बेटे, तीन दफा प्राइम मिनिस्टर के दो बेटे कहें कि जी हम पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं, अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज लंदन में बैठे हुए हैं, और कहते हैं हम जवाब नहीं देते क्योंकि उनको पता है वो जवाब नहीं दे सकते। तो सबको पता है कि इधर से पैसा चोरी करके बाहर लेके गया मुल्क का प्राइम मिनिस्टर। और ये याद रखें, मुल्क का प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहा था, एक वो मुल्क जिधर पहले डॉलर्स की कमी है, रुपया गिरता है तो रुपया गिरता है, महंगाई आती है, गुर्बत बढ़ती है, वो मुल्क से डॉलर्स बाहर भिजवा रहा है, और वो ही नहीं भिजवा रहा, उसके नीचे वजीर। अब ये जो ख्वाजा आसिफ, इसका क्या केस है? मैंने सारी कैबिनेट के अंदर एफआईओ को कहा कि इसको इन्वेस्टिगेट करो। क्यों करो? एक मुल्क का डिफेंस मिनिस्टर, जी फॉरेन मिनिस्टर, एक दुबई की कंपनी से पैसे ले रहा है और कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि इसे 5 दिन काम करना है उस कंपनी में, 8 घंटे काम करना है दुबई के अंदर, और उसको पैसे दे रही है। यानी क्या लोग बेवकूफ हैं? कोई ऐसे किसी को पैसा देता है? वो कौन सा, कोई आइंस्टाइन था कि जैसे हमें तभी पता चल गया एकामा जो था, हमें पता था ये मनी लॉन्ड्रिंग का तरीका है। जो 95% केसेस हैं नैब के अंदर इन सब के ऊपर, वो हमने तो बनाए नहीं है, वो तो बनाए हुए जब इनकी गवर्नमेंट पावर में थी। हमारे दौरान तो सिर्फ एक केस बना है, वो शहबाज शरीफ का। ये जो ख्वाजा आसिफ का केस है, सुप्रीम कोर्ट में केशी भी हुई थी, तो मेरे कहने पे उन्होंने अलीम खान को भी जेल में डाल दिया और सप्तान खान को भी जेल में डाल दिया। हाँ, और उनके पता कब अलीम खान को भी और उनके पता कब केसेस पुराने थे, 12-13 साल पुराने केसेस थे। वो मुझे दोनों कहें कि नून लीग के दौर में और ये पीपल्स पार्टी के दौर में तो उनको नैब ने कुछ नहीं किया, हमारे दौर में पकड़ लिया। ये वो गवर्नमेंट आई है पाकिस्तान की तारीख में, ना नैब के अंदर हम कोई इंटरफेयर करते हैं, ना अदालतों में कोई टेलीफोन करके किसी जस्टिस को कह रहे हैं कि जी ये 3 साल नहीं तो 5 साल कर दो, ना हम कोई वर्डिक्ट ले रहे हैं, ना हमने कोई सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई डंडों से हमला किया है। हम वो गवर्नमेंट है जो कि जेन्युइन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है पाकिस्तान की तारीख में, जो बिलीव करती है कि इदारों को आज़ाद और मजबूत और ऑटोनमस किया जाए, क्योंकि जो भी अच्छी डेमोक्रेसी होती है उसमें इदारे अपने दायरे में काम करते हैं। तो हमने तो कोई इंटरफेयर नहीं किया। पहले तो ये जो लोग सारे इकट्ठे हो गए हैं, आप प्लीज मेरे कोई क्लिप्स दिखा दें। एक मैंने कोई 10 साल पहले कहा हुआ था, क्लिप दिया था जिस दिन मैं प्राइम मिनिस्टर बना, मैंने तब कहा हुआ है, मैंने कहा ये सब इकट्ठे होंगे, जमहूरियत का नाम इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इनका एक होगा कि मैं किसी तरह मेरे ऊपर इतनी ब्लैकमेल करें मुझे कि मैं इनके मैंने करप्शन के केसेस इनके मैं खत्म कर दूं। और ये सारी गेम है एनआरओ की, इन्होंने पूरा पहले दिन से जोर लगाया हुआ है कि मुझे इतना प्रेशर डालें, ब्लैकमेल करें, इकोनॉमी भी ठीक नहीं थी, फिर कोविड भी आ गया, फिर फैटअप भी आ गया, अब कहीं ना कहीं ये ब्रिलियंट रहे, इसमें कोई दो राय नहीं, कहीं ना कहीं ये घुटने टेके कि ये हम देखे, हम आपको बड़े आराम से चलने देंगे अगर आप कर दें। देखे वो मुझे क्यों नहीं समझ सकते, उनकी जो सारी पॉलिटिक्स है वो है कि इक्तदार में आके माल बनाओ। मैं सारों को जानता हूँ, ये पहले क्या थे इक्तदार से, और आज इनकी सब अरबपति बन चुके हैं। मुझे इनकी सारों की हिस्ट्री पता है कि कैसे कैसे इन्होंने पैसे बनाए, कौन क्या था पहले, क्या बन गया। इनका सिर्फ इक्तदार में आने का मकसद है पैसा बनाना। ये मुझे इसलिए नहीं समझ सकते कि मुझे तो अल्लाह सब कुछ दे चुका था इक्तदार से आने से। मैंने असेंबली में कहा कि ये एनआरओ ले रहे हैं, ये ब्लैकमेल कर रहे हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जो मर्जी जलसे करें, सिट इन करें, जो मर्जी करें, नहीं मैं इनको एनआरओ नहीं देने लगा। इनसे बहुत बड़ी गलती होगी ना, इन्होंने समझा कि फैटअप में अब ये गया, फैटअप में तो ब्लैकलिस्ट हो जाएगा, तो इन्होंने गलती की। पहले तो मुंह से कह रहे थे, इन्होंने वो लिख के दे दिया दोनों पार्टीज ने कि नैब के 34 क्लॉजेस बनो, और एक एक क्लॉज में बचता कौन है, नवाज शरीफ किधर बचता है, वो मरियम किधर बचती है, वो जरदारी किधर बचता है। सबसे पहले तो जो पाकिस्तानी फौज है ना, वो पाकिस्तान की फौज है, और एक हुकूमत ऐसी आई है, कभी भी ऐसी सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप आई नहीं है। वो क्यों है? क्योंकि वो फौज को पता है कि इमरान खान ना यहां से पैसे चोरी करके बाहर प्रॉपर्टीज बना रहा है, उनको पता है कि ये सुबह से लेकर शाम तक एक छुट्टी नहीं इसने ली, ना वो अपने रिश्तेदारों को सारी जगह पे प्लेस कर रहा है, ना उसने अभी अपनी फैक्ट्रियां बनानी शुरू किया, ना कोई वो बिजनेस कर रहा है। उनको ये पता है कि ये पाकिस्तान के लिए काम कर रहा है। पाकिस्तान की फौज हर उस प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़ी होगी, वो प्राइम मिनिस्टर उनके साथ नहीं खड़ा होगा, फौज उसके साथ खड़ी होगी। सबसे ज्यादा फौज क्या चाहेगी? कि पाकिस्तान तकड़ा हो, मजबूत हो। एक मकरूज मुल्क जो जाके भीख मांगे हम कर्जे लें,
उसकी तो फॉरेन पॉलिसी आजाद नहीं होती, वो मुल्क ही आजाद नहीं रह जाता। ये जो कर्जे हमारे ऊपर चढ़ाए हैं, मैं बार बार कहता रहा हूं, कोई अकल करे ना कि 60 सालों की तारीख में पाकिस्तान का कर्जा 6000 अरब था। कौन सी इन्होंने डैम्स बनाई, क्या किया कि जो 30000 में पहुंच गया? सो फौज को नहीं पता कि जब एक मुल्क पे 30000 अरब का कर्जा चढ़ जाए और आपकी आधी जो आमदनी टैक्स की है वो कर्जों की किस्तों पर चली जाए, तो मुल्क कैसे खड़ा हो सकता है पैर पे? वो तो प्रेशर ही बर्दाश्त कर सकता। तो इसलिए वो भी चाहते हैं कि पाकिस्तान में कोई इस तरह का एक हुकूमत आए जो पेट्रियोटिक हो, जो मुल्क में हो, जिसका जीना मरना पाकिस्तान में हो। मेरा अगर जीना मरना पाकिस्तान में है, मैं बिल्कुल मुख्तलिफ फैसले करूंगा बनिस्बत जो इतना सा प्रेशर पड़ा है, सारे बाहर भाग जाते हैं। ये जो लोग बाहर बैठे हुए हैं, ये लोगों का कैसे इंटरेस्ट होगा पाकिस्तान में? एक डिसइंफॉर्मेशन यूरोपियन यूनियन की लैब ने जो चीज़ें सामने लेके आई हैं कि हिंदुस्तान की कोई 350 साइट्स हैं, फेक साइट्स मीडिया की, जिधर वो पाकिस्तान के खिलाफ पूरा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, वही साइट्स ये पीडीएम इनको भी बैक कर रही हैं। वही लोग जो कि हमें अटैक कर रहे हैं, और उन साइट से वो किसको अटैक कर रहे हैं? पाकिस्तानी फौज और इमरान खान, दो को। एक मुझे अटैक किया जा रहा है, एक पाकिस्तानी फौज को, और यही ये सारे लगे हुए करने, ये भी पाकिस्तानी फौज को अटैक कर रहे हैं। फौज जो है वो एक पाकिस्तान का इदारा है, स्टेट का इदारा है। मैं उस स्टेट का इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हूँ। फौज वो करेगी जिसका वो इदारा है, जिस तरह ब्यूरोक्रेसी को करना चाहिए, जिस तरह बाकी इदारों को करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक फौज उसका इदारा है। मैं ये क्या कह रहा हूँ कि जी फौज मैंने अपने साथ जोड़ लिया, मैंने क्या फौज को जोड़ना है? फौज तो है ही हमारा दारा। सबसे पहले तो इन्होंने हिट किया आर्मी चीफ को और आईएसआई चीफ को, नवाज शरीफ ने। बाहर बैठ के इतना बड़ा वो डरपोक आदमी है, यहाँ तो चुप करके बैठा रहा, वहां बाहर जाके इसने इनको अटैक किया। मेरा पहले पॉइंट ये है कि कौन सी दुनिया की जमहूरियत के अंदर एक सिटिंग आर्मी चीफ, और उसको पहले आप उसे ये कहते हैं कि आप ये गवर्नमेंट को रिमूव करें, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को रिमूव करें, और फिर कहते हैं आर्मी को कि अगर ये आर्मी चीफ नहीं रिमूव करता इलेक्टेड गवर्नमेंट को, तो इस आर्मी चीफ को खिलाफ कू कर दो। ये नवाज शरीफ ने और फिर ऑपोजिशन ने और इनके कई लोगों ने ये लाइन ली। उसके लिए मैंने फिर इनको डिफेंड किया, हमारी फौज है, हमारी फौज कुर्बानियां दे रही है। जिस दिन इन्होंने जाके फौज को बुरा भला कहा, आपको पता है हमारे ये एक इनका JUI के आदमी ने जिस तरह की उसने जबान और उससे पहले कोई कफायतुल्लाह उसने जो कहा कि पाकिस्तानी फौजी जनरल की गर्दनें उतार देनी चाहिए, उसी दिन 6-7 हमारे फौजियों ने कुर्बानियां दी ये दहशतगर्दी के खिलाफ, जो कि इंडिया से दहशतगर्दी पाकिस्तान में आ रही। मेरा पॉइंट ये है कि यहाँ एक बहुत बड़ी हमारे मुल्क के खिलाफ साजिश हो रही है, जो कि हिंदुस्तान वाजे हो गया यूरोपियन यूनियन की लैब ने एक्सपोज किया, यूरोप ने, हमने नहीं किया। जिस तरह पनामा का इंकशाफ हुआ, ये भी बाहर इंकशाफ हुआ, उससे पता चलता है कि पूरी कैंपेन चली हुई है इमरान खान के खिलाफ और पाकिस्तानी फौज के खिलाफ। उस कैंपेन का हिस्सा बने हुए ये APDM वाले। अब जब ये बने हुए हैं तो मेरा काम है अपनी फौज को और अपने आर्मी चीफ को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि ये हमारी फौज है। गिलगित बल्तिस्तान की जब वो बात हो रही थी तो आर्मी चीफ ने बात की, मुझे पता था कि, और मैंने आर्मी चीफ को कहा कि वो बात करें। और वो क्यों की? क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान एक सिक्योरिटी इशू है। जी जी। इसके अंदर हिंदुस्तान पूरी कोशिश कर रहा है कि एक नेशनलिस्ट उठाएं जो कि पाकिस्तान से अलहदगी की तरफ जाए। आपको इस चीज़ का इल्म नहीं है, और वो इसलिए है क्योंकि जो वहाँ के लोगों के अंदर एहसास महरूमी आ चुकी थी, हम लिम्बो में हैं, हम प्रोविंस बना, वो प्रोविंस प्रोविंशियल स्टेटस चाहते थे, उनका कोई एक स्टेटस था कि वो ना तीतर ना बटेर थे। तो आर्मी चीफ ने उनको समझाना था कि ये बड़ा एक सिक्योरिटी इशू है, सिक्योरिटी इशू के अंदर फौज को इन्वॉल्व, हर जगह फौज इन्वॉल्व होती। मुझे पहले दिन से धमकियां मिल रही हैं NRO के लिए कि ये नहीं करेंगे तो ये कर देंगे, वो असेंबली इन्होंने नहीं चलने दी, मुझे तकरीर नहीं करने देते, शोर मचा देते हैं, बिल जाके फंस जाते हैं सेनेट में, वो वहाँ आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन एक चीज़ याद रखना, ये कभी भी पब्लिक मूवमेंट नहीं चला सकते। पब्लिक मूवमेंट तब चलती है, अवाम तब सड़कों पर आती है जब अवाम समझे कि कोई उनके मफादात की हिफाजत करने आया। अवाम सड़कों पर निकली है, अरब स्प्रिंग हुई, ये जो 10 साल पहले जब अरब मुल्कों के अंदर लोग सड़कों के ऊपर आ गए, वो जिधर जिधर भी सड़कों पर निकले, और अभी भी इराक में निकले सड़कों पर, लेबनान में सड़कों पर निकले हुए हैं, चिली में, साउथ अमेरिका में, वो सारे सड़कों पर निकलते हैं। उनकी असल चीज़ क्या है? करप्शन के अगेंस्ट,
के हुक्मरान की करप्शन। ये सड़कों पर निकल रहे हैं हुक्मरानों की करप्शन बचाने के लिए, कभी इनके साथ पब्लिक नहीं निकलेगी। आपको कह रहा हूँ कि कभी, मैं राइटिंग में आपको देता हूँ कि कभी पाकिस्तानी कौम इनके सामने नहीं निकलेगी। इन्होंने मराने पाकिस्तान जलसा किया, अब कोविड है, हमारे लिए मुसीबत पड़ी हुई है कि लोगों की जानें बचानी है, सेकंड वेव आया हुआ है। मैंने इनको मुल्तान में भी कहा, मैंने कहा देखो इनको कहो कि वहां अस्पताल भरते जा रहे हैं, अब बाद में कर दें जलसे। उन्होंने वहां ड्रामे किए जी, वो कोई चे गवारा, कोई रेवोल्यूशनरीज बन गए, इस मुल्क के सबसे बड़े डाकू रेवोल्यूशनरीज बन गए। लोग निकलते हैं कॉज देख के, कॉज ये नहीं है कि आप वो कहें जी NRO दे दो तो हम तब वापस चले जाएंगे। जब मैं, हमारी पावर आई थी फैसलाबाद के अंदर, टेक्सटाइल फैक्ट्रियां बंद हुई हुई थी, रियल एस्टेट में वो जा रहे थे टेक्सटाइल वाले, और लूमें बंद हुई हुई थी। आज लोग नहीं मिल रहे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, वर्कर नहीं मिल रहे इनको, ना फैसलाबाद में मिल रहे हैं, ना सियालकोट में मिल रहे हैं, ना गुजरावाला में मिल रहे हैं। हमारी जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वो टेक ऑफ कर गई है, सीमेंट की सेल्स आज उठ गई हैं, गाड़ियां बिक रही हैं, मोटरसाइकिल, यानी पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है। रास्ते में ये रुकावट बने हुए थे, जब वो मीनारे पाकिस्तान का जलसा फ्लॉप हुआ तो आपने देखा होगा अगले दिन स्टॉक एक्सचेंज उठ गई, क्योंकि सारी अब बिजनेस कम्युनिटी चाहती है कि ये गवर्नमेंट अब कामयाब हो, क्योंकि उनको नजर आ रहा है कि पाकिस्तान अब उठ रहा है। आज अगर आप बिजनेस कम्युनिटी से बात करें जी, तो ये 1960s के बाद ये पहली गवर्नमेंट आई है जो बिजनेस फ्रेंडली है, जो इंडस्ट्री लगाना चाहती है पाकिस्तान में, ताकि रोजगार मिले, ताकि वेल्थ क्रिएशन हो। कि जो हमने कदम उठाए हैं, जो हम आसानियां पैदा कर रहे हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर रहे हैं, ये 60s के बाद पहली गवर्नमेंट है। और ये रिफ्लेक्ट हो रही है अब कि आपकी, अगर मेन आपकी तो इंडस्ट्री, हमारी तो टेक्सटाइल है, अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री आज बूम कर रही है तो उनके लिए आसानियां पैदा की होंगी ना। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि हमारी बड़ी रुकावटें, रेड टेपिज्म काफी है, जिसको हम आहिस्ता आहिस्ता दूर कर रहे हैं। कोरोना के बावजूद हमारा जो ग्रोथ पैटर्न आया, और जो आज मैं आपको कह रहा हूं कि आप जरा देख लें, हम सही रास्ते पर निकल गए। मैं अपनी पूरी अब कोशिश कर रहा हूं कि पाकिस्तान के हम अब लॉन्ग टर्म सोचें। दो डैमों के ऊपर, बाशा डैम और हमारे ममंद डैम पे, 50 साल के बाद बड़ी दो डैमें बनने जा रही है। दो शहरों के ऊपर हम काम कर रहे हैं, लाहौर के ऊपर एक इंशाल्लाह जबरदस्त, जो कि लाहौर की प्रोटेक्शन के लिए, उधर से कराची के ऊपर एक, ये बंडल आइलैंड के ऊपर एक ऐसी मॉडर्न सिटी, ताकि लोगों को वहाँ रोजगार मिले, वेल्थ क्रिएशन हो, बाहर से हमारा फॉरेन एक्सचेंज आए, ताकि हमारे रिजर्व्स बिल्ड अप हो। लेकिन जो हमारी सारी कोशिश है कि लोगों को गुर्बत से निकाले, इस साल मैं जो प्रोग्राम लॉन्च कर रहा हूँ कि कोई पाकिस्तान में भूखा ना सोए, और एहसास प्रोग्राम के साथ हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, अवाम को साथ शामिल करके, अपनी टाइगर फोर्स को शामिल करके, पहले तो हमारी पूरी कोशिश अब होनी है ये साल के एंड तक कि हम उधर तक पहुंच जाएं कि कोई घराना भूखा ना सोए। सेकेंडली, जो हमारे नीचे प्रोविंसेस हैं, पंजाब, KP और GB, इसके अंदर साल के एंड तक सारे फैमिलीज के पास हेल्थ इंश्योरेंस आ जाए। उसके बाद जो मेरी अब पूरी कोशिश ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, इसके अंदर प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए, तो उसके ऊपर हम चाइना के साथ मिलके, उसके ऊपर अब हम पूरा जोर लगा रहे हैं कि हम अपनी टेक्नोलॉजी उठाएं, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री, इससे रोजगार भी पहले और इससे वेल्थ क्रिएशन बढ़े। जो एनवायरनमेंट है, इसके ऊपर अब हम पूरा जोर लगा रहे हैं, ट्री प्लांटेशन भी। हम जैतून का पूरा एक इंकलाब लाने लगे हैं पाकिस्तान में, क्योंकि हमारे बहुत बड़े इलाके हैं जिधर जैतून के लिए बेस्ट प्रोडक्शन शुरू हो गई है, तो हम बड़ा।